क्या कभी अपने शहर को गंदा देखकर आपका खून खौला है? अगर नहीं तो पहले संजय की एक कहानी सुनिए। संजय बताते हैं कि मैं 5 साल से स्विट्जरलैंड के वेस्ट मैनेजमेंट कर रहा था। अच्छी सैलरी और हर तरह की सुविधा थी, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं थी। एक दिन अखबार में छपी एक खबर पर मेरी नज़र गई, जिसमें मेरे होम टाउन असम में तिनसुकिया जिले से सबसे गंदा शहर बताया गया था। खबर पढ़ने के बाद मुझे काफ़ी तकलीफ पहुंची। मैं सोचने लगा कि विदेश में रहकर स्वर्ग को स्वर्ग बना रहा हूं, लेकिन अपने शहर के लिए मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। ऐसे में मेरे मिशन का क्या मतलब, जब खुद का शहर ही गंदा रह जाए। साल 2018 में मैंने नौकरी छोड़ दी और अपने शहर की गंदगी मिटाने की मुहिम में जुट गया। आज मेरा शहर लगभग वेस्ट फ्री हो गया है, लोग जागरूक हो गए हैं। इतना ही नहीं, अब असम के दूसरे जिले भी वेस्ट फ्री हो रहे हैं, लोगों को काम मिल रहा है, महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। बदलाव की इस कहानी को गढ़ने वाले शख्स का नाम संजय गुप्ता है, जो लंबे वक्त से वेस्ट मैनेजमेंट पर काम कर रहे हैं। 49 साल के संजय गुप्ता की शुरुआती पढ़ाई लिखाई गांव में ही हुई। उसके बाद बैचलर्स की पढ़ाई के लिए वह इलाहाबाद चले गए, जिसके बाद उन्होंने JNU में दाखिला लिया। यहां से उन्होंने मास्टर्स और फिर PhD की डिग्री हासिल की। संजय कहते हैं कि JNU में पढ़ाई के दौरान ही वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर मेरी दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। कैंपस में जहाँ भी गंदगी दिखती उसे साफ करने में हम लग जाते थे। तब हमारा मोटिव था कैंपस को जीरो वेस्ट बनाना और हमारा बहुत हद तक उसमें कामयाबी भी हमको मिली थी। इसके बाद मैंने तय किया कि आगे इसी फील्ड में कैरियर बनाना है। JNU से पढ़ाई पूरी करने के बाद संजय गुप्ता की जॉब लग गई। 2013 तक उन्हें अलग अलग संस्थानों के लिए वेस्ट मैनेजमेंट और इससे जुड़े प्रोजेक्ट पर काम किया। इसके बाद वे स्विट्जरलैंड चले गए। अपनी इस मुहिम की कहानी को लेकर संजय बताते हैं कि 3 साल पहले जब मुझे होम टाउन की गंदगी के बारे में पता चला तो मैंने सरकार और जिले के अधिकारियों को लेटर लिखा। उन्हें बताया कि वेस्ट मैनेजमेंट पर काम कर रहा हूं और अब अपने राज्य और शहर के लिए कुछ करना चाहता हूं। इसको लेकर सरकार से पॉजिटिव रिस्पांस मिला और मैं असम लौट आया। संजय गुप्ता कहते हैं कि यहाँ आने के बाद पता चला कि मुसीबत वाकई बहुत बड़ी है। शहर में गंदगी थी, साथ ही लोगों की आदतें भी सही नहीं थीं। जिसको जहाँ मन किया वहाँ कचरा फेंक देता था, सूखा कचरा और गीला कचरा सब मिक्स कर देते थे। होटल और दुकानों के बाहर वेस्ट का ढेर लगा रहता था, बहुत कम लोग ही अवेयर थे। इसके बाद मैं नगर निगम के अधिकारियों से मिला और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर अपनी एक टीम तैयार की। सबसे पहले उन्हें वेस्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी, सूखे और गीले कचरे का फर्क बताया, हर तरह के कचरे को कैसे अलग करना है इसकी प्रोसेस समझाई और फिर अपने काम में जुट गए। हमारी टीम लोगों के घर घर जाकर वेस्ट कलेक्ट करने लगी। इसका असर भी दिखा और 1 साल के भीतर ही शहर की आधी गंदगी साफ हो गई। लोग अवेयर होने लगे, वह उधर उधर कचरा फेंकने की बजाय डस्टबिन में वेस्ट इकट्ठा करने लगे। इसके बाद हमने अपने काम का दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया। तिनसुकिया जिले के साथ ही तीताबर और बाकी शहरों में भी हमने अवेयरनेस फैलाना शुरू किया। धीरे धीरे लोग हमारी मुहिम से जुड़ने लग गए और हमारी टीम बढ़ती गई। आज हमारी टीम में 122 लोग काम करते हैं, इनमें ज़्यादातर महिलाएं हैं और अब तक हम लोग 500 टन वेस्ट कलेक्ट कर चुके हैं, 50 लाख से ज़्यादा प्लास्टिक बॉटल रिसाइकल्ड कर चुके हैं। संजय गुप्ता ने केयर नॉर्थ ईस्ट फाउंडेशन नाम से खुद का ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। वह कहते हैं कि हमने एरिया के हिसाब से अलग अलग टीमें बनाई हैं, इनमें वेस्ट कलेक्ट करने के लिए उन्हें सेग्रीगेट करने वाले और ड्राइवर शामिल हैं। यह लोग हर दिन सुबह एक निश्चित समय पर अपने अपने एरिया में जाते हैं और लोगों के घर से वेस्ट कलेक्ट कर अपनी यूनिट तक लाते हैं। यहाँ हम वेस्ट का एनालिसिस करते हैं, सूखा वेस्ट, गीला वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, पेपर वेस्ट, रिसाइकल्ड होने वाला वेस्ट, डिकम्पोज करने वाले वेस्ट और ऑर्गेनिक वेस्ट को अलग करते हैं। इसके साथ ही हमने होटल वाले, दुकानदार और बड़ी कंपनी से भी टाई अप किया। हमारी टीम उनके यहाँ से भी हर तरह के वेस्ट कलेक्ट करती है। शहर में कोई कार्यक्रम या इवेंट होता है तो हम वहाँ से भी वेस्ट कलेक्ट करते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर इतने वेस्ट का होता क्या है।
संजय बताते हैं कि रिसाइकल होने वाले वेस्ट को हम लोग कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। इससे जो कुछ आमदनी होती है वह वेस्ट कलेक्ट करने वाली टीम की होती है। जो वेस्ट रिसाइकल नहीं किए जा सकते उन्हें हम डंप कर देते हैं। उसके बाद जो ऑर्गेनिक वेस्ट बचते हैं उनसे हम लोग खाद तैयार करते हैं। अब तक हमारी टीम 2.5 टन से ज्यादा खाद तैयार कर चुकी है। संजय कहते हैं कि CSR की तरफ से हमें कुछ फंड मिला है। उन्होंने वेस्ट कलेक्ट करने के लिए हमें 23 गाड़ियां उपलब्ध कराई हैं। कुछ मदद हमें नगर निगम से भी मिलती है। इसके अलावा जिन घरों से हम वेस्ट कलेक्ट करते हैं उनसे 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक महीना हम चार्ज करते हैं। इसी तरह होटल वालों और दुकानदारों से भी हम कुछ चार्ज लेते हैं। इसका कोई रेट फिक्स नहीं है। कई लोग पैसा नहीं देते हैं फिर भी हम उनके यहाँ से वेस्ट कलेक्ट करते हैं। अभी करीब 20,000 घरों तक हमारी टीम पहुँच रही है। इससे हर साल करीब 6 से 7 लाख रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। संजय कहते हैं कि व्यक्तिगत लेवल पर मैं कानपुर और देश के दूसरे हिस्सों में भी काम कर रहा हूँ। कई राज्य में मेरा मॉडल अपनाया जा रहा है। जल्दी हम बिहार में अपना प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं।